सीबीआई की ओर से शराब नीति मामले में समन किए जाने के बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो कोई ईमानदार नहीं। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। सीएम केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के 14 फोन तोड़े जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की, ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इम्पाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इम्पाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही है, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में है। बाकी 9 फोन, तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी, तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा, का मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो फोन जिंदा हैं। और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए जी मीडिया।